उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने में समय अभी बाकी है, लेकिन एक तरफ नेता अभी से जनता को अपनी मीठी बातों में उलझाने की कोशिश में है, तो वहीं वोटर भी आमादा है कि वे नेताजी को सच बताकर रहेंगे। दरअसल इसकी वानगी भेड़ी में देखने को मिल रही है। दरअसल भेड़ी थाना क्षेत्र के गांव धिमरी में पुल की जरूरत है, लेकिन यहां पर जनप्रतिनिधि और नेताओं की अनदेखी के चलते यहां बरसों से पुल का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं बनने के चलते कई बार यहां बच्चे हादसे का शिकार हो चुके हैं। वहीं यहां से शहर जाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं जनता के अनुरोध पर पहुंचे सपा के संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने कहा कि जब भी सपा की सरकार आएगी तो यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा, साथ ही साथ गांव की जरूरतों के मुताबिक यहाँ पर विकास के कार्य कराए जाएंगे। देखिए, धिमरी के लोग लगातार 15 साल से यहाँ पे दो दो विधायक हो गए, उनसे मांग कर चुके थे कि यहाँ का पुल बन जाएगा। तो पुल बनने पे यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर मेन रोड है जो फरीदपुर और बहड़ी रोड मिला था, वो रोड किसी भी नेता द्वारा अभी तक केवल इलेक्शन के दौर में आके वादा किया और वादा करके चले गए। इसलिए धिमरी के लोगों ने उन दोनों नेताओं को ना बुला के इस बार मेरे पास आए और यहाँ के लोगों ने कहा कि आपके बारे में जैसे सुना वैसे करते हैं, आप चलिए, आप आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए, मैं वादे करने वाला नेताओं में नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं आज यहाँ आया और मैंने इनसे यही कहा है कि आप ज़्यादा आपको सब्र करने की ज़रूरत नहीं है, 2022 के चुनाव होने वाले हैं, आप मेरा साथ दीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, इसके बाद धिमरी में पुल और यहाँ का खरंजा जो दोनों जोड़ने वाले हैं और यहाँ पे जो लोग और भी रास्ते जो खराब पड़े हैं, जिस रास्ते से अभी हम लोग आए हैं वहाँ पे ऐसे गहरी नालियाँ हैं जहाँ पे आम लोग और आम हमारी महिला गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, कार से निकल नहीं पाएंगी। तो दूसरा इनका टंकी का मुद्दा था, टंकी यहाँ जो प्रधान है उन्होंने प्रधान ने जो है दूसरी इसका जो मजरक को पड़ता है गाँव को पड़ता है भिलैया के अंदर उन्होंने पास करा दिया है। अगर मुझे यहाँ मौका मिलेगा तो सबसे पहले धिमरी के अंदर मैं यहाँ पे इसको टंकी को यहाँ बनवाऊँगा और जो स्वच्छ पानी मिलेगा तो यहाँ पे लोगों का जो है स्वस्थ भी अच्छा रहेगा। और साथ साथ मैंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वादा करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है। हम लोगों को ये बताइए कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे यहाँ दोनों लोग रहते हैं, क्या यहाँ पे पुल बना, क्या यहाँ पे रोड बना, क्या यहाँ के लोग, यहाँ के विकास हुआ? कोई विकास नहीं हो पाया। हमें मंदिर मस्जिद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के रोड चाहिए, यहाँ का पुल चाहिए, यहाँ में टंकी चाहिए और यहाँ बिजली के जो तार लटके हुए हैं दूसरे भिलैया में भी और यहाँ भी बिजली सही तरीके से हमें मिलना चाहिए। मैं इनके साथ हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी, इनके अच्छे बुरे में हमेशा लॉकडाउन में भी मैं आया हूँ और हमेशा आता रहता हूँ, इन लोगों से मेरे परिवार जैसे रिश्ते हैं। पिछले 5 साल से मैं लगातार धिमरी से जुड़ा हुआ हूँ, इस क्षेत्र से जुड़ा रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो मुझे उम्मीद है कि गाँव वाले इस बार जो पुराने नेता थे उनको इस गाँव में घुसने नहीं देगी। जय हिंद, जय समाजवाद। पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम पर ग्रामीणों ने यहाँ बहिष्कार भी किया था और स्थानीय बीजेपी विधायक यहाँ मौके पर पहुँचे थे, तो उसके बाद भी ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल समाधान नहीं हुआ। उनका वोट लेने के लिए यहाँ 2:30 बजे वोटिंग खुलवा दी गई और इन लोगों ने बता रहे हैं ये लोग सब कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया, लेकिन इस बार ये लास्ट धोखा खा के बैठे हैं, इन्होंने सबको अजमा लिया। अब इन्होंने कह दिया कि हम उन नेताओं को बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, कोई पुलिया का काम नहीं हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे, आज भी जो रपटा बना हुआ है वो जब सैलाब आता है तो वो ऊपर से पानी निकल जाता है और उससे पशुओं को अलग सबसे ज़्यादा इंसानों को नुकसान होता है। तो आपके माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा के मामले में पीछे। क्या नाम है आपका? रीना। ये धिमरी गांव में पुल को लेकर के धरना चल रहा है, किस तरह की समस्या होती है? आप कोई पढ़ने जाते हैं या गांव में किसी काम से शहर को जाते हैं? हाँ, सब मतलब जहाँ भी जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कत होती है, पानी आ जाता है तो निकलने में दिक्कत होती है, फिसल के बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो वापस भी आना पड़ता है, उन्हें स्कूल नहीं जा पाते हैं। पुल की मांग को लेकर के पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था हाँ, तो उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि हमारा पुल सही हो जाए, फिर आप लोगों को वोट मिल जाएंगे।